Dear students, in the last lecture we have discussed about one compartment open model IV bolus administration. In today's lecture we will discuss about one compartment open model IV infusion. So let's start with one compartment open model IV infusion. पिछले क्लास में मैंने आपको एक बताया था कि कैसे बोलस और इन्फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है. एक और बेसिकली और रेट जो बताया था मैंने आपको कि रेट ऑफ एलिमिनेशन है दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन रेट्स आर नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर. बट इन दिस केस द केस इज ऑफ इन्फ्यूजन. इन्फ्यूजन हम कब देते हैं? जब कोई भी ड्रग टॉक्सिसिटी काउज करता है या स्टेबल कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल कंसेंट्रेशन या अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज डिजायर्ड. इन दैट केस वी गिव द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ आईवी इन्फ्यूजन. इन्फ्यूजन बेसिकली ड्रिप सिस्टम है. धीरे धीरे करके ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंचता है, ड्रॉप वाइज जाता है. सो वट विल बी द रेट ऑफ इन्फ्यूजन? रेट ऑफ इन्फ्यूजन जब भी कोई स्लो प्रोसेस होती है तो वो उसका रेट जीरो ऑर्डर होता है, और जब भी कोई फास्ट प्रोसेस होती है, नॉर्मली यही एज्यूम किया जाता है कि जब कोई फास्ट प्रोसेस हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर है और जब कोई स्लो प्रोसेस हो तो वो जीरो ऑर्डर है. नाउ इन्फ्यूजन कैसा प्रोसेस है? इन्फ्यूजन तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे ड्रग ब्लड में पहुंच रहा है. तो इन दैट केस द रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर. नाउ इट इज कॉन्स्टेंट रेट, इट इज स्लो, वेरी स्लो, एंड इट इज जीरो ऑर्डर. एंड कितनी देर तक रेट ऑफ इन्फ्यूजन कितना होना चाहिए या रेट ऑफ इन्फ्यूजन ड्यूरेशन कितना होना चाहिए उसका? द ड्यूरेशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्यूजन ड्यूरेशन शुड बी ड्यूरेशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्यूजन शुड बी मोर देन इट्स हाफ लाइफ. जो भी ड्रग आप यूज कर रहे हो उसकी हाफ लाइफ से उसका रेट रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है, ड्यूरेशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्यूजन शुड बी मोर. एंड इसमें इस केस में इन्फ्यूजन के केस में खास करके उन ड्रग्स में जहां पर कि काफी नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, दोज आर वेरी पोटेंट ड्रग्स, उस केस में इसमें इन्फ्यूजन के केस में स्टेडी स्टेट मेंटेन होता है, और स्टेडी स्टेट मेंटेन होने के कारण फ्लक्चुएशंस आर वेरी लेस. द फ्लक्चुएशंस जैसे कि कभी काफी ज्यादा हाई, काफी ज्यादा ड्रग लेवल लो हो गया, तो दीज फ्लक्चुएशंस आर वेरी लेस इन केस ऑफ इन्फ्यूजन. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द डायग्राम ऑफ दिस इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन मॉडल. कैसा रहेगा इसका डायग्राम? जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं कुछ वैसा ही रहेगा, जिसमें कंपार्टमेंट ब्लड रहेगा, में एक कंपार्टमेंट रहेगा जिसमें कि ब्लड एंड अदर टिश्यूज रहेंगे विच आर हाईली परफ्यूज्ड. नाउ there will be two rates. Why? Because the rate is very slow, rate of infusion is very slow, so there will be two rates. And drug is coming inside with the rate of infusion that is of zero order. Zero order ke form mein dheere dheere wo aa raha hai, so R0 se hum denote kar rahe hain. R0 kya hai? R0 is the rate of infusion. And the drug is coming out with a constant elimination rate constant KE. Okay, so here it is elimination. ये डायग्राम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आईवी इन्फ्यूजन के लिए. नाउ कम टू द रेट इक्वेशन. हमेशा जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि द अमाउंट ऑफ द चेंज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट. हेयर रेट इन इज इक्वल टू R0 माइनस, और रेट आउट इज माइनस KEx. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो? dx अपॉन R0 माइनस KEx दैट इज इक्वल टू dt. ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करना है. और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? फ्रॉम इनिशियल. अब देखिए, जब इन्फ्यूजन स्टार्ट हो रहा है उस समय ड्रग का कंसेंट्रेशन क्या है? जीरो. तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? अमाउंट एक्स तक जा रहा है. और इधर टाइम, इनिशियल टाइम इज जीरो. एट टाइम टी देयर इज द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इज एक्स. सो लिमिट लेंगे फ्रॉम जीरो टू एक्स. ठीक है, अब थोड़ा सा एक जनरल, मैं थोड़ा सा फिर यहां पर इंटीग्रेशन की बात करूं. तो जनरल एक इक्वेशन है dx अपॉन a प्लस
बी एक्स, सपोज इस टाइप का अगर आपके पास इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू डी सी एंड यू वी वॉन्ट टू इंटीग्रेट इट, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा 11th 12th में उन लोगों को जानकारी होगी इस बारे में थोड़ी सी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मान ले चलो a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई, इनको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे सो वी विल गेट, क्योंकि a कांस्टेंट है तो यहां पर आएगा b डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, देन डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन बी। ओके सो यहाँ पे आपके तीन इक्वेशंस हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ थर्ड एंड टू, थर्ड एंड टू के वैल्यूज को हम वन में डालेंगे, तो अब बताइए डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई बी, और ए वाई की जगह मतलब ए प्लस बी एक्स की जगह पे हम वाई लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे दिस इज डी एक्स अपॉन वाई तो होगा ही, और डी एक्स की जगह पे हम डी वाई बाई बी लिख रहे हैं क्योंकि ये इस तरीके से आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है यहाँ पे, सो दिस इज डी सी। अब इस चीज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो दोनों सेम है, सेम वैल्यूज मतलब आपको सेम तरह के इक्वेशन दिख रहे हैं तो इन वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे, तो आप इसको हाँ अब इसको हम कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों को मालूम है कि b इज ए कांस्टेंट तो b तो बाहर निकल जाएगा और dy वाई बाई वाई का इंटीग्रेशन होता है ln y और c dc का इंटीग्रेशन होगा सिंपली c, इसी तरीके के फॉर्म से अब हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर 1 बाई बी ln y इज इक्वल टू c आया, 1 बाई बी, b क्या है यहाँ जो यहां पर ke है तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ke, चूंकि माइनस टर्म है आगे इसलिए माइनस आएगा, एंड ln y की जगह पे क्या है यहाँ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दैट मीन्स दिस वन इज y आर जीरो माइनस के एक्स एंड हेयर विल बी t। इसको आप इंटीग्रेट इसमें लिमिट लिया है आपने जीरो टू x, तो जीरो टू x लिमिट यहाँ पे भी लिखेंगे जीरो टू x और यहाँ जीरो टू t। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, वन अपॉन के फर्स्ट इज सेम वन एल एन आर जीरो माइनस के एक्स। ठीक है, दूसरे में दूसरे टर्म अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, दूसरे टर्म में एक्स जीरो है इसलिए पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ आएगा ये क्या एल एन ऑफ आर जीरो एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा टी। ठीक है, ये आपका पूरा अलग है, देन नाउ एक चीज और, अब आपको लॉग के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, कल ही मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जस्ट बताया था कि ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, तो इसको हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो लॉग ऑफ लॉग टू द बेस e, और चूंकि वर्ड a माइनस बी के फॉर्म में है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, तो आपको मालूम होगा लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आर जीरो माइनस के एक्स अपॉन आर जीरो, के जो इधर का है वो इधर आ गया तो दैट विल बी माइनस के टी। अब देखिए यहां पर एक चीज और है, a इज इक्वल टू बी टू द पावर c, इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ लॉग बेस b ऑफ a इज इक्वल टू c। ठीक है, अब यहां पर भी कुछ इसी टाइप का दिख रहा है, लॉग बेस e a की जगह पे ये पूरा टर्म है, c की जगह पे ये पूरा टर्म है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a कहाँ कौन सा है ये वाला है, तो इसको हम अलग कर लिए पहले आर जीरो माइनस के एक्स अपॉन आर जीरो दैट इज इक्वल टू बी क्या है यहाँ पे ई है, तो ई लिख दिया और हाँ बी हमने लिख दिया, देन दिस इज इक्वल टू माइनस के ई टी, क्योंकि बी टू द पावर सी है तो सी की जगह पे माइनस के ई टी। ये इक्वेशन हमारा अब आ गया है, ये फाइनल इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा आपका x इज इक्वल टू
आर जीरो अपॉन के ई वन माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी। बुक्स में आपको देखेगा कि एक स्टेप सीधा उन्होंने यहां तक लिखा है बुक्स में, और सीधा लिखा है कि इसको आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली ये इक्वेशन आया है, ठीक है। बट ये बीच के जो इंटीग्रेशन स्टेप्स हैं इसको किसी भी बुक में नहीं दिखाया गया है, तो इसको मैंने अलग से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं उसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे, और ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको कि ध्यान में रखेंगे और इसके थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, ये इक्वेशन हमारा आ गया है। नाउ वीडी के फॉर्म में इसको, मतलब सी के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, आप लोगों को पता है, क्या पता है, वीडी इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी। उसके टर्म में लिखेंगे तो एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वीडी सी। सो सी विल बी इक्वल टू आर जीरो अपॉन के ई वी डी वन माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी, ओके। अब के ई वी डी क्या होता है, के ई वी डी इज इक्वल टू सी एल टी, दैट इज टोटल क्लियरेंस। तो के ई वी डी की जगह पे अब हम टोटल क्लियरेंस लिखेंगे। सो सी इज इक्वल टू आर जीरो सी एल टी वन माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी। वाई सी एल टी, बिकॉज के ई वी डी इज इक्वल टू टोटल क्लियरेंस सी एल टी, ठीक है। नाउ इन केस एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो रहा है, स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो रहा है कि जब धीरे धीरे इन्फ्यूजन देते हुए, मैं एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, क्योंकि बिना ग्राफ के समझ नहीं आएगा, इधर कंसंट्रेशन हो गया इधर टाइम हो गया, इन्फ्यूजन का कंडीशन है, इन्फ्यूजन रेट हो रहा है, तो मतलब रेट ऑफ इन्फ्यूजन स्लो होता है, धीरे धीरे करके ड्रग धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ गया, दैट मीन्स कि द कंसंट्रेशन बिकम्स कॉन्स्टेंट। और अगर हमने यहाँ पर इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दिया, इफ इन्फ्यूजन इज स्टॉप्ड देन सडन डिक्लाइन ऑफ द कंसेंट्रेशन विल बी देयर, इस टाइप का डिक्लाइन होगा, और दिस टाइम पे यहाँ पे आपका इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल टाइम क्या है, इन्फ्यूजन टाइम है आपका, ओके। तो ये दिस कंडीशन, ये कंसेंट्रेशन जो यहाँ पे पहुंचा है दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन, और ये कंडीशन कहलाएगी स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में होता है कि जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट द रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन, ओके। सो अब हम ये मान रहे हैं dx by dt इज इक्वल टू जीरो, तो पहले वाले इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने आपको बताया है, ये वाला इक्वेशन dx by dt इज इक्वल टू dx by dt इज इक्वल टू आर जीरो माइनस के ई एक्स, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आर जीरो माइनस के ई एक्स। यहाँ पर इसको जीरो बना लिए, क्योंकि यहाँ पे किस कंडीशन की बात हो रही है, स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात हो रही है, वहां पे कोई चेंज नहीं होता है अमाउंट में, अमाउंट ऑफ ड्रग में कोई चेंज नहीं होता है, रेट में कोई फर्क, मतलब रेट जो होता है वह कॉन्स्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये जीरो कर कह दिया गया। सो दैट विल बी इक्वल टू आर जीरो माइनस के ई एक्स, आर जीरो माइनस के ई एक्स, ओके। एंड दिस एक्स इज वॉट, एक्स इज द अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन, सो इट विल बी डिनोटेड बाई एस एस, इसके आप सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे एस एस, मतलब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन को बता रहा है। सो के ई एस एस, सॉरी के ई एक्स एस एस दैट विल बी इक्वल टू आर जीरो, ठीक है। अगर हम इसको सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो सी एस एस दैट इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन के ई वी डी दैट इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन सी एल टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसेंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू इन्फ्यूजन रेट, रेट ऑफ इन्फ्यूजन डिवाइडेड बाई द क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस, ओके। नाउ इस इक्वेशन को अब हम, ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने ये निकाला हुआ था, दिस इक्वेशन सी इज इक्वल टू आर जीरो अपॉन सी एल टी वन माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी, ठीक है। तो आर जीरो अपॉन सी एल टी, ये वाले इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग फोर्थ इक्वेशन कह सकते हैं, सॉरी फोर्थ इसको रखते हैं, दिस इज फिफ्थ वन, पुटिंग फिफ्थ इक्वेशन इन फोर्थ,
एट स्टेडी स्टेट कंडीशन. सो सी विल बी इक्वल टू सी एस एस वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टी. ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपको देगा सी इज इक्वल टू सी एस एस माइनस सी एस एस ई टू द पावर माइनस के टी. सो सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस दैट विल बी गिव यू ई टू द पावर माइनस के टी. अभी तक आप देख रहे होंगे कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में हमने क्या क्या निकाला. बेसिकली सबसे पहले तो हमको के ई निकालना है, के ई से टी हाफ निकलेगा, और अगर आपको टी हाफ और के ई पता चल गया देन और रेट ऑफ इन्फ्यूजन अगर आपको पता है देन वी कैन कैलकुलेट द वी डी देन सी एल टी. ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं. इसको हम क्या करेंगे, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टेकिंग द लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे. तो लॉग ऑफ सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर माइनस के ई टी. अगेन इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी, लॉग ऑफ ई टू द बेस 10 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.303. ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं के ई टी माइनस अपॉन 2.303. इस तरीके से लिखा जा सकता है. अब आपको फिर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है क्या, दिस इज वाई दिस इज एक्स एंड दिस इज एम. चलिए अब इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में बनाते हैं. सो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे, इधर लेंगे लॉग सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस, और इस तरफ हो जाएगा आपका टी. चूंकि नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव ऊपर से नीचे आएगा, डाउनवर्ड्स रहेंगे, और इसका स्लोप का वैल्यू रहेगा के ई अपॉन 2.303. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट के ई, एंड वंस वी आर गेटिंग के ई वी कैन कैलकुलेट टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं. और बाकी के पैरामीटर्स जो है आपके, जैसे कि अभी सी एल टी हुआ, टी वी डी हुआ, ये आप यहां से निकाल सकते हैं. सी एल टी इससे निकल सकता है, वी डी इससे निकल सकता है, क्योंकि वी आर गेटिंग के ई एंड आर जीरो इफ इट इज नोन, एंड सी एस एस वी कैन गेट इट फ्रॉम द ग्राफ. सो बाई गेटिंग फ्रॉम द ग्राफ वी कैन डिटरमाइन डिफरेंट पैरामीटर्स, वी डी सी एल टी देन के ई एंड देन टी हाफ. टी हाफ क्या होगा ये आपको पता है, 0.693 अपॉन के ई. तो इस तरीके से चार पैरामीटर्स आप निकाल सकते हैं. आई होप आप लोगों को बहुत कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, खास करके इन्फ्यूजन में, और जो इंटीग्रेशन जहाँ पे यूज हुआ है वो सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आई थिंक एक्स्ट्रा वास्कुलर. यस वी हैव टू स्टार्ट एक्स्ट्रा वास्कुलर. ओके.